आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका जरूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस बीजेपी अकाली सबको भूल जाएंगे। एकमात्र ऐसा नेता है देश में जो आपके टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए आपको सुविधाएं दे सकता है, बाकी सब तो आपके टैक्स के पैसे को चोरी करते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अमृतसर पहुंचे थे, उन्होंने किसानी आंदोलन से बोलदिया क्या है कि ना तो पंजाब सरकार ते ना ही केंद्र सरकार इस मुद्दे नु गंभीरता नाल हल करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि किसान लंबे समय तो अपनियां मंगां दे लई अंदोलन कर रहे ने, पर मोदी सरकार उन्हां दी गल मन्नण दी बजाय उन्हां उत्ते अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो बिल पास किते ने वह उद्योगपतियां लई बनाए गए ने, यह बिल उद्योगपतियां दे लाभ लई हन। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह अते नरेंद्र मोदी ते मिली भुगत दे दोष लगाउंदे होए कहा है कि इन्हां दी आपसी दोस्ती है, इसलिए कैप्टन सरकार मोदी सरकार नाल खेती कानूनां ते चर्चा करन जांदी है पर खाली हाथ ही वापस आती है। उन्होंने और की किया, तुसी भी सुनो। जो मौका मिला है काम करने का, और दिल्ली में पिछले 5-6 साल में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का काम किया है, वही राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, काम करने वाली राजनीति पंजाब में भी सफल हो और पंजाब के लोगों की भी खुशहाली हो, पंजाब के लोगों को भी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, दिल्ली के लोगों को भी और कृपा बनी रहे खुशहाली पे, और साथ साथ देश भर के लोगों को भी मिले। अब इस मौके पर थोड़ी सी बात मैं फिर आपके बीच भी रखने आया हूँ, क्योंकि पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और लोकल बॉडी इलेक्शंस में इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत जनता उम्मीद की तरफ से देख रही है, क्योंकि पिछले 5 साल उम्मीद की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि उसने अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है। आज ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पंजाब के जहाँ जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के वोटर्स से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका ज़रूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस बीजेपी अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में भी यही हुआ है कि लोगों ने एक बार कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, बीजेपी देखी, फिर कांग्रेस देखी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की झलक उन्होंने देखी और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस का नाम लेना भूल गए हैं। वैसे ही यहाँ भी होगा, इसलिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन एक अवसर है। मैं पंजाब के वोटर्स से अपील करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की राजनीति को, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को, उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई, रोजगार, इन सब पे बात होती है, इसको एक मौका ज़रूर दें। और मौका इसलिए दें क्योंकि 5 साल में केजरीवाल जी को, अभी दिल्ली में 5-6 साल मौका मिला है, 6 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो काम कर दिए हैं जिनको कभी कोई सोचता था कि हो ही नहीं सकते। हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि प्राइवेट स्कूल तो हर साल फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसा मॉडल बन गया जहां पिछले 5 साल में, 6 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, जिसके पास भी पैसा था उसको फीस नहीं बढ़ाने दी। लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहाँ से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहाँ 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्ज़ाम क्रॉस किया। तो आज असंभव को संभव करके दिखाया केजरीवाल जी ने। उसकी शिक्षा की चर्चा
पूरे देश में नहीं दुनिया भर में हो रही है। यही स्वास्थ्य का मॉडल है, देश नहीं दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे काम करता है। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि साहब दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ लोग इन्वर्टर पे मजबूर, इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर होते थे, मार्केट में इन्वर्टर भरे रहते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। लोग इन्वर्टर भूल गए और 24 घंटे जब बिजली मिल रही है तो 70-75% लोगों के बिल हर महीने ज़ीरो आते हैं, लोगों के पानी के बिल ज़ीरो आते हैं। दिल्ली में महिलाओं को, सारी महिलाओं को अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शन बस यात्रा फ्री कर रखी है। तो ये सारी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए करी क्योंकि ये केजरीवाल जी की राजनीति है। इसी राजनीति को मैं अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि इसको मौका दें पंजाब में, पंजाब के वोटर्स, पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। और देखिए, आप दो तरह की राजनीति देख रहे हैं। एक राजनीति है जो जनता से टैक्स लेती है, टैक्स तो जनता देती है, आप माचिस खरीदने लाओ जाओ बाजार से तो टैक्स मिलता है, आप थोड़ी सी कमाई करो तो टैक्स देना पड़ता है, खाना खाने जाओ तो टैक्स देना पड़ता है, जनता तो टैक्स देती है। अब इसके सामने दो तरह की राजनीति है वोट से। एक राजनीति यह है कि उस टैक्स के पैसे को चोरी करके लोग अपना बिजनेस करें, अपना घर बढ़ें, अपने अपना नोट बैंक बढ़ाएं। दूसरी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है जहां इसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मुफ्त शिक्षा, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतने शानदार अस्पताल बनवा दिए, इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था हो गई, इतना पानी की व्यवस्था हो गई, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही एक बार फिर से पंजाब के लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दिया तो अब वहाँ उसका बहुत ईमानदार राजनीति का फ़ायदा मिल रहा है, वैसे यहाँ भी मौका ज़रूर दें। यही मैं आपके बीच में रखने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि पहले जैसे आपने पार्टियों का जिक्र किया कि अकाली बीजेपी, तो आप लोग अब क्या चीज लेकर लोगों से वोट दें, क्या दिल्ली मॉडल ही बता के लोगों से वोट मांगा जाए? देखिए, हम जब शहर का नाम लेते हैं दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, वो दिल्ली में भी मॉडल दिल्ली का था 5-7 साल पहले। बात यह है कि एक है ईमानदार राजनीति, केजरीवाल जी की राजनीति है। तो हम पंजाब के बीच जो आए हैं इसी बात को लेकर आए हैं, और हमारे जनरल सिंह जी और बाकी सब साथी जो लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स जो जा रहे हैं, कि साहब